बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैड आर्ट क्लब। लास्ट वीडियो में हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव मालूम किया था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इस वीडियो में हम सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स के डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए मालूम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट वाई इज इक्वल टू secant x, y प्लस डेल y इक्वल हो जाएगा हमारे पास secant x प्लस डेल x। अब हमने इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा डेल y इज इक्वल टू secant x प्लस डेल x माइनस सीकेंट एक्स। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, डेल वाई इज इक्वल टू वन ओवर कॉस एक्स प्लस सीकेंट एक्स माइनस वन ओवर कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे अब हम, डेल वाई इज इक्वल टू, एलसीएम भी लेते हैं हम और डेल एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो हम सेकंड स्टेप में भी कर सकते हैं और थर्ड स्टेप में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं काम को कि हमने बोथ साइड डेल एक्स से डिवाइड भी किया, ये हमने डिवाइड कर दिया वन ओवर डेल एक्स, और साथ में जो सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यानी कि सेकेंड स्टेप सिंप्लीफिकेशन का यहीं पर कर लेंगे हम। कॉस एक्स यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। अब नोट करें, जब हमने कॉस एक्स का डेरिवेटिव मालूम किया था तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप आया था जब हमने सब्ट्रैक्शन की थी तो वो था कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स। अब सेम उसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, लेकिन अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं अपनी साइन के लिए। अच्छा, अगर हम कॉमन ना भी लें, या एक पॉइंट आप नोट करें जो आपके काम आएगा, वो पॉइंट कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास हो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, यानी कि डिफरेंस से प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये इक्वल होता है हमारे पास टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर में फार्मूला बनेगा वो हम ये यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इस फार्मूला में ये नोट करें कंडीशन होती है हमारे पास कि अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा होते हैं। अगर हम इसे अल्फ़ा कंसीडर करें, इसे बीटा कंसीडर करें, तो इस केस में बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा है। अगर हम माइनस साइन ले लेंगे कॉमन, तो फिर हम अल्फ़ा इसे कंसीडर करेंगे, ये अल्फ़ा ग्रेटर देन हो जाएगा बीटा के, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब बीटा जो है वो लेस देन है अल्फ़ा के, तो हम अगर दोनों साइड जो हैं वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू। तो हम इस फार्मूला का भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस साइन बार आने ही आने, तो अभी हम देख लेते हैं कैसे
वैनिश हो जाएगा। ऑब्जर्व करें, यह फार्मूला यूज़ करेंगे हम, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं फार्मूला की। तो वन ओवर डेल एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, आप जिस तरह मर्जी फार्मूला यूज़ करें, डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यूज़ करना आना चाहिए ये वाला फार्मूला भी। यहाँ भी अल्फ़ा ग्रेटर है बीटा, ऑब्वियसली कि इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा टू साइन, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हम अलग से कर लेते हैं, अल्फ़ा हमें गिवन है, यहाँ पे एक्स, तो बीटा हमें गिवन है यहाँ पे, सॉरी अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो बीटा हमारे पास एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस डेल एक्स, जब हम डिवाइड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जब हम करेंगे एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डेल एक्स रह जाएगा, सॉरी डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये टू जो है ये हम नीचे शिफ्ट कर देंगे डेल एक्स के, और यही काम हमने कॉस एक्स और साइन एक्स के केस में भी किया था, और साथ में हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। ये दो स्टेप जो हैं यहाँ पे हम एक स्टेप सॉरी स्किप कर रहे हैं, कर सकते हैं अगर आपको इसकी समझ हो तो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू। अब लिमिट जो है वो अलग अलग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी, अब लिमिट न्यूमरेटर में भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे डेल एक्स है पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ज़ीरो। अब देखें ये वन के इक्वल हो जाएगा, साथ में आपने रीजनिंग देनी है, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी थीटा है, लेकिन यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स बाय टू, यहाँ पे भी डेल एक्स बाय टू, लेकिन रीज़न ये होती है जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो देन डेल एक्स ओवर टू आल्सो अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इस रीज़न की वजह से ये भी हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वन ओवर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू
secant x tan x। जिस तरह हमने secant x का डेरिवेटिव लिया है, सेम उसी तरह ही हमें cosecant x का डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। सेम इसी तरह ही स्टेप होंगे वहाँ पे। स्टार्ट करते हैं हम। लेट y इज इक्वल टू cosecant x, तो y प्लस डेल y इक्वल हो जाएगा हमारे पास cosecant x प्लस डेल x। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल y इक्वल आ जाएगा cosecant x प्लस डेल x माइनस cosecant x। यहाँ पे हम ये करते हैं, cosecant को हम वन ओवर साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये वही स्टेप है जो हमने secant x के केस में किया था, कि secant को हमने cos में कन्वर्ट कर लिया था और यहाँ पे cosecant को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया वन ओवर साइन में। अब यहाँ पे LCM लेंगे तो डेल y इज इक्वल टू LCM आ जाएगा हमारे पास साइन x, LCM आएगा साइन x इंटू साइन x प्लस डेल x, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन x माइनस साइन x प्लस डेल x। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल होता है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो है वो एक्स के इक्वल है, बीटा जो है वो हमारे पास x प्लस डेल x के इक्वल है। तो अगर हम माइनस लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती, पर उस केस में अल्फ़ा हमारे पास x प्लस डेल x आ जाता है और बीटा हमारे पास x आ जाता है, लेकिन हमने माइनस साइन को कॉमन नहीं लिया। तो हम इसी फार्मूला को ऐसे यूज़ करें तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा टू एक्स प्लस डेल x डिवाइडेड बाई टू विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे आप नोट करें, ये हो जाएगा माइनस डेल एक्स के इक्वल, क्योंकि माइनस बीटा साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स और एक्स कैंसिल, माइनस डेल एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने LCM लिया और फार्मूला यूज़ किया। अब नोट करें कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, जैसा कि यहाँ पे माइनस डेल एक्स अवर टू आया, तो माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा एंगल से। तो उसके बाद हमने ये किया, बोथ साइड्स डेल एक्स से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर दी और ये जो टू था ये इस डेल एक्स के डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया। अब हमने लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर दिया, इस टर्म पे अलग मल्टीप्लाई बाय साइन डेल एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स ओवर टू पे अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाएगी ये वाली टर्म। तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ज़ीरो, और ये हमारे पास आइडेंटिटी ये यूज़ करेंगे जब हम ये आइडेंटिटी, तो वन हो जाएगा। और रीज़न देनी है यहाँ पे, अगर डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है तो डेल एक्स ओवर टू भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। उसके बाद हमने वन ओवर साइन एक्स को अलग कर लिया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स को यहाँ पे हमने अलग कर लिया, तो वन ओवर साइन एक्स हमारे पास कोसेकेंट एक्स के इक्वल, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स के इक्वल होता है।
लिहाजा डेरिवेटिव आ जाएगा कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉट एक्स के लिए, लेट लेंगे लेट वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। एक पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व करें, साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो वो सेम है। इसी तरह सीकेंट एक्स और कोसेकेंट एक्स के लिए जो स्टेप्स हैं वो सेम है कैलकुलेशंस के। अब टेन एक्स और कॉट एक्स के जो स्टेप होंगे वो भी सेम होंगे। टेन एक्स का डेरिवेटिव हम लास्ट वीडियो में मालूम कर चुके हैं, तो अब कॉट एक्स को भी उसी मेथड उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए वही कैलकुलेशन वाले स्टेप होंगे। तो हम इसको फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव वाई प्लस डेल वाई इक्वल हो जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल एक्स। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल वाई इक्वल आ जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉट एक्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। एलसीएम लेंगे हम, डेल वाई इक्वल हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। दोनों तरफ हम डेल एक्स से डिवाइड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट करें हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन लिया अभी हम देख लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पे हम साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे भी हम फार्मूला वही यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस केस में जो हमारे पास अल्फ़ा होता तो वो लेस देन होता बीटा से, फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन अपनी आसानी के लिए सिर्फ हमने माइनस को यहाँ पे कॉमन लिया। तो डेल वाई और डेल एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस डेल एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस बीटा, बीटा हमारे पास एक्स, एक्स और एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू साइन आई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। अब हम अप्लाइंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो ऑन बोथ साइड्स डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लिमिट से बाहर आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो
साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स साइन एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन माइनस लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होके ये हमारे पास सेकेंड टर्म वन हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू माइनस वन ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर साइन स्केयर एक्स और वन ओवर साइन एक्स हमारे पास होता है कोसेकेंट स्केयर एक्स। तो लिहाजा फाइनल आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स। ये बात पहले भी हमने डिस्कस की है कि जितने भी छः टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो तीन ऐसे हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।